तो गाइज आज की रेसिपी है कढ़ी। अभी मैंने इसके अंदर कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाला है, उसमें थोड़ी सी पिंच अजवाइन डाली है और मेथी दाना डाला है 1 टीस्पून, और साथ में एक ड्राई रेड चिली डाली है। ये सब प्रेपरेशन किया है मैंने कढ़ी के लिए। मैं बिना पकौड़े की कढ़ी बना रही हूँ। हरी मिर्ची, प्याज, आलू और ये है अदरक लहसुन, और ये है हमारी लस्सी जिसे हम कढ़ी बनाएंगे। इसके अंदर अभी मैं बेसन घोलूंगी थोड़ी देर में। तो सी गाइस, अभी इसके अंदर मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन जो मैंने ग्रेट किया था। इसमें मैंने लिया था 1.5 इंच अदरक लिया था, उसको मैंने ग्रेट किया था, और साथ में मैंने 2 बड़े वाले क्लोव्स लिए थे गार्लिक के, उसको मैंने ग्रेट करके इसमें डाला है। तो गाइस अब जैसे ही इसके अंदर से इसके कच्चेपन का टेस्ट निकल जाए, जो लहसुन की कच्ची सी स्मेल आती है ठीक है, वो जैसे निकल जाए, तो उसके बाद आपको इसमें डाल देना है अनियन और ग्रीन चिली। मैंने अनियन जो है बड़ा अनियन काटा है मैंने, आप चाहो तो आप चॉप करके भी डाल सकते हो, बट मेरे को ऐसे ही इसका जो है ना अच्छा लगता है। मैंने 3 अनियन लिए हैं इसके अंदर, और एक पैकेट लिया है मैंने लस्सी का, यानी कि 1 लीटर लस्सी है मेरे पास, तो उसके लिए मैंने 4 स्मॉल अनियंस लिए हैं। अब ग्रीन चिली मैंने गाइस 2 ग्रीन चिली ली हैं ठीक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हो। अब इसको हम थोड़ा सा अनियन को ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करेंगे। सो गाइस अभी ये मैंने लिया है 1 चम्मच बेसन, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग अपने थिकनेस के अकॉर्डिंग जो है ऐड कर सकते हो। 2 चम्मच नॉर्मल स्पून से होते हैं आपके ठीक है। बस इतना इनफ है। अब इसको मैं इसमें लम्स ना बने, इसके लिए हम ये एक विस्क लेकर इसको घुमाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। देखिए गाइस लम्प्स जो हैं इसके ख़त्म हो गए हैं, और जो 2-3 बचे हैं उसको हम नॉर्मल स्पून के साथ भी जो है मैश कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अनियन की तरफ। अभी हमारे जो अनियन हैं वो ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। अब इस चीज़ पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं जो चॉप करके लिए हैं ताकि पकौड़े की कमी महसूस ना हो कढ़ी में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं बिना पकोड़े की कढ़ी बना रही हूँ, और मैं गई इसमें कुछ खट्टा भी नहीं डालूँगी। बस मैंने कल थोड़ी सी लस्सी ली थी, 1 पैकेट लस्सी ली थी, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक मिला के रख दिया था, पूरी रात छोड़ दिया था। और अब ये ज़रूर याद रखें, जब भी आप लस्सी को खोल के रखें तो एक किसी प्लास्टिक के बर्तन में ही रखें। अगर आप किसी स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन में उसको रखेंगे खोल के, तो वो कड़वी हो जाएगी। तो आप एक प्लास्टिक के, जो भी आपके पास प्लास्टिक का बाउल हो, उसमें लस्सी डालें, थोड़ा सा नमक डाल के। अगर आपकी लस्सी खट्टी नहीं है तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के आप उसको पूरे दिन के लिए छोड़ दें। एक दिन पहले कर लें, जिस दिन आपको कढ़ी बनानी है उससे एक दिन पहले आप लस्सी में नमक डाल के रख लें। अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो आप दही ले लें, दही के अंदर नमक डाल के रख दें, और अगले दिन उसको थोड़ा सा विस्क करके ठीक है, तो उससे आप कढ़ी बना सकते हैं। उसके अंदर बेसन घोल के और पानी मिला के आप बना सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से थोड़ा सा कुक कर लेंगे। तो गाइस अभी इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ स्पाइसेस। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैं इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने लस्सी में भी डाला था। थोड़ी सी हल्दी और ये सूखा धनिया,
और थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ कुटी हुई। बस फिर इसको मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, उसके बाद इसके अंदर लस्सी डालेंगे। सो गाइस, अब टाइम है ये लस्सी डालने का कढ़ी के अंदर, और जो मसाला हमने भुना उसके अंदर ये डालने का टाइम है। ये देखो, ये इतना जो है वो भुन गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये लस्सी। देखो, एक भी लंप नहीं है इसके अंदर बेसन का। सी दिस। अब हम इसको थोड़ा सा जैसे मिक्स कर लेंगे। गाइस, मैं सिर्फ दो लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने कम बनाया है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपको इसमें पानी ऐड करना चाहिए तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आपको कैसी रखनी है वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे को तो थिक कंसिस्टेंसी इसकी पसंद है। तो अभी मैं आपको ये इसमें थोड़े से बॉयल्स आ जाएं उसके बाद दोबारा दिखाती हूँ। तो देखो गाइस, इसमें कितने अच्छे से बॉयल आ गया है। अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी थिक चाहिए। सी, अभी मेरे को थोड़ी सी और थिक चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। और अभी इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। सो सी, मैंने इसमें डाल दी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक्चुअली मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था आज, तो मैंने कड़ी पत्ता नहीं डाला था, तो इसलिए मैंने कसूरी मेथी डाल दी इसमें। आप धनिया भी डाल सकते हो, जो फ्रेश धनिया होता है वो भी डाल सकते हो, बट मेरे पास इस टाइम पे ना धनिया था और ना ही कड़ी पत्ता था, तो इसलिए मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी। तो ऑलमोस्ट ये कड़ी रेडी है गाइस। सी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा आज का ये ब्लॉग कढ़ी रेसिपी का, तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। तो गाइज, रेडी है मेरे कढ़ी चावल। ये मैंने बनाए हैं स्टीम्ड राइस, और ये रही कढ़ी, और ये साथ में थोड़ा सा अनियन।